शमीम भाई, हॉस्पिटल का ओपनिंग तो एक बार हो चुका है, लेकिन आज फिर जो है विधायक जितेंद्र अवाड यहाँ पर दौरा किए थे, हम लोग लेट हो गए, पहुँच नहीं पाए उस टाइम पे। तो ओपनिंग पे तो तमाम सवाल उठ रहे थे, आज फिर उनका दौरा था, क्या पूरा मामला था ये? देखिए इस्लामुद्दीन भाई, आज का जो दौरा था वो इसलिए खास करके था, उनको बार बार मुझे शानू भाई को, भाई साहब को, हम लोगों को कॉल जाते हैं कि भाई यहाँ पे सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, जो भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ कुछ और चालू करना चाहिए, जैसे हार्ट के रिलेटेड बहुत सारे, पेट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, वो स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। तो इसके इन चीज़ों को देखते हुए डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब का आज यहाँ पे अचानक दौरा हुआ, जिसमें शानू भाई और हम दोनों साथ में थे उनके। तो सबसे पहली बात तो यह है कि डॉक्टर रिजवान साहब खड़े हैं, मैं उनके सामने ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर मैं गलत कहूँगा तो डॉक्टर साहब मुझे रोक सकते हैं। तो 250 पेशेंट तकरीबन डॉक्टर साहब हैं हॉस्पिटल में। अभी आप लोग मेरे से बात करने के बाद जाइए, जाकर के आप लोग विजिट कर लीजिए और कैमरे के माध्यम से शूट कर लीजिए। 250 पेशेंट यहाँ पे हैं, ये सब बच्चे जिन्होंने कोरोना में काम किया, ये बच्चे आज भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर शारमिन डिंगा मैडम बड़ी मेहनत कर रही हैं अंदर, और इन लोगों ने, तमाम लोगों ने अवाड साहब को बुला करके जिन बच्चों ने कोरोना में काम किया था उन्होंने उनको एक तरह से सपोर्ट का ऐलान करते हुए उनको गले में हार माला बुके दे करके सत्कार किया उनका, जितेंद्र अवाड साहब का। मुझे शानू पठान को भी बुके दिया डॉक्टर साहब ने, हमारा भी इस्तकबाल किया, अच्छा काम चल रहा है। हज में जाने वाले तमाम हाजी साहब लोगों का भी यहाँ पे भी जो भी उनका प्रोसीजर है मेडिकल का, सब चल रहा है डॉक्टर साहब, आप सब कर रहे हैं। रही बात यह है, कुछ इक्विपमेंट्स कुछ चालू नहीं है, कुछ मशीनें चालू नहीं है, जैसे हार्ट का है, बहुत सारा मसला ऐसा है। तो उसके लिए ये है कि कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं शहर में, आकर के कागज लगा देंगे दीवार के ऊपर, उनसे मैं कहना चाहता हूँ शहर को एक अच्छा हॉस्पिटल मिला है, इसका सपोर्ट करो, जाओ जाके बात करो आयुक्त साहब से और उनसे कहो, उनसे विनती करो कि आयुक्त साहब इस हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज चालू रहना बाकी रह गया है सर, इसका आज से चालू कर दीजिए, हम लोग ये बात करते हैं। लेकिन राजनीति के चक्कर में यहाँ ताला लग जाए, यहाँ कोई आके लॉक लगा दे, कोई आके स्टिकर लगा दे, कोई आकर के कुछ भी बातें करे, मैं समझता हूँ ये बातें इखलाकी फरीजा नहीं है, इससे आवाम को तकलीफ़ होगी, इससे पब्लिक को परेशानी होगी। राजनीति करना है भाई तो हम 15 दिन कर लेंगे, 15 दिन के पहले हम राजनीति नहीं करते, हमारा मकसद राजनीति नहीं होता है, हम सब का मकसद ये होता है कि हम शहर के लिए काम करें। डॉक्टर जितेंद्र अवाड, सैयद अली असरफ भाई साहब के नेतृत्व में, शानू पठान और हमारी, हम सब पूरे राष्ट्रवादी परिवार की हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग पब्लिक के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आज ये तकलीफ थी, आए थे जितेंद्र अवाड साहब ने बात किया आयुक्त साहब से, मैं ये समझता हूँ जो फैसिलिटी अधूरी रह गई है स्टार्ट होने में वो बहुत जल्द चालू की जाएगी। शमीम भाई, ऐसा भी कहा जा रहा है क्या कमिश्नर का लेटर नहीं मिला है उसके बावजूद जो है ओपनिंग की गई? अच्छा, मैं एक बात पूछता हूँ, अगर कमिश्नर साहब का लेटर नहीं मिला है तो ये जो हॉस्पिटल है किसका है? थाने महानगर पालिका का है। रही बात ये कि अवाड साहब की कोशिशों से, उन्होंने बहुत मेहनत किया, प्रयास किया, तो जाकर के आज ये न्यू खड़ी है यहाँ के हमारे मुकामी नगर सेवकों ने, भाई साहब शानू पठान ने, हम सब मिलकर के इसके लिए वर्क किए हैं। रही बात कि ये हॉस्पिटल का लेटर नहीं मिला, हाँ ये बातें हैं कि अगर ये लेटर नहीं मिला तो ये निधि कहाँ से आई, ये फंडिंग कहाँ से आई, ये काम कैसे हुआ, ये आयुक्त साहब यानी जो थाने महानगर पालिका है उसके ज़रिए ये सब काम हुआ है। रही बात ये कि आगे जो है इस हॉस्पिटल को लेकर के जो लोग बातें कर रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर पॉल जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मैं ये भी बता दूं आपके माध्यम से कि लोगों को ये भी गुमराह किया जा रहा है कि प्राइवेट हो गया। अरे भाई, ये एक स्कीम के तहत डॉक्टर साहब चालू किया गया है, एक स्कीम है और ये स्कीम थाने महानगर पालिका देती है, आपका आधार कार्ड लेके आओ, आ करके जो ट्रीटमेंट करवाना है यहाँ करा के जाओ, जो रिपोर्ट कराना है करा के जाओ, पूरे हेल्थ का, ब्लड से लेकर के एक्सरे से लेकर सोनोग्राफी से लेकर के सब करा के जाओ, इससे बड़ी फैसिलिटी और क्या मिलेगी? पठान साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ तो इतनी अच्छी फैसिलिटीज, इतने अच्छे डॉक्टर्स तो कलवा शिवाजी में भी नहीं है। शानू भाई, क्या लग रहा है आपको कि आधिकारिक तौर पर इस हॉस्पिटल के उद्घाटन हुआ है? बात बोलता हूँ, मेरी हॉस्पिटल तैयार है, और जब लोकल आमदा
आके उद्घाटन करता है, क्योंकि सीएम साहब को वक्त नहीं मिला। आपको मालूम है 5 तारीख से सुन रहे थे हम लोग हॉस्पिटल की ओपनिंग होने वाली। कितने तारीख? जो मुझे एज अ डिपार्टमेंट ने बोला, सारे डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट ने मुझे कहा था शानू भाई 5 तारीख को हॉस्पिटल शुरू कर दी, नहीं की। सारे इंस्ट्रूमेंट, सारी चीज़ें, सारी मशीनरी तैयार है, जहाँ के जितने भी लोग सब बोल के रह गए। एक बार महापालिका ने बोल भी दी डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी को कि आप उसको शुरू करने का आधे बोल भी सकते, फिर प्रेशराइज करके कहीं ना कहीं हॉस्पिटल रनिंग में ना आए, इसकी क्यों आप प्रेशराइज करें। देखिए हॉस्पिटल जो है वो अति आवश्यक सेवा है, पानी हॉस्पिटल अति आवश्यक सेवा पर राजनीति मत करिए। लोगों में अगर आप ये रुका के सुविधा सोच रहे हैं मत में आपको मिलेगा नेगेटिविटी के जरिए, तो ये आपकी भूल है। क्योंकि सबको मालूम है पूरे हॉस्पिटल तैयार है, कहीं ना कहीं प्रेशराइज करके उसको रनिंग नहीं किया जा रहा। और ये खुशनसीब भी है यहाँ के जो लोग विरोधी विरोध के लिए बात करते, महापालिका शुरू नहीं है, नहीं तो हम ये हॉस्पिटल 2 दिन में शुरू कराते थे हाउस के माध्यम से। लोगों का हाउस के माध्यम से हॉस्पिटल 2 दिन नहीं बन रह सकता है। लेकिन अब बस बदकिस्मती हमारी भी ये भी है कि महापालिका 3 सालों का डिसॉल्व है, लेकिन ये हॉस्पिटल आयुक्त महोदय और ये सभी लोगों को हमने ये बता दिया माननीय शर्मिंदगंज जी साहब आमदार जी कि हाथ जोड़ के विनती करते जब हॉस्पिटल सब इंस्ट्रूमेंट रेडी है तो उसको रनिंग में लाया जाए, नहीं तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबका लोगों का ये भी कहना है कि चुनाव नज़दीक आया और आनंद फानंद में इसकी ओपनिंग की गई है, क्योंकि शहर में ऐसा कुछ काम हुआ नहीं, दिखाने के लिए सिर्फ ओपनिंग की गई है। आप है ना हॉस्पिटल के अंदर जाइए अकेले, कोई भी पार्टी को मत, आपको वहाँ मालूम पड़ेगा हर चीज़ रेडी, हर चीज़ रेडी। आप खुद बता देंगे जब सारी चीज़ रेडी है तो आप किसके लिए रुके, सवाल ये। डॉक्टर क्या बताएंगे हॉस्पिटल में जो बता रहे हैं आप 200-250 मरीज हुए, कौन कौन से मरीज हैं? अभी जो है ना ओपीडी के मरीज है, हज के लिए जो आए हुए वो मरीज है, है ना गायनेकोलॉजिस्ट के लिए जो पेट से औरतें वो लोग मरीज है, सब पेशेंट लोग आप अंदर आके देख सकते हैं। क्या क्या चालू है अभी हॉस्पिटल? अभी इसमें अपना ना डिलीवरी का वार्ड चालू है, डायलिसिस सेंटर चालू है अपना, ओपीडी चालू है, गायनेक ओपीडी चालू है अपनी, ब्लड टेस्ट का अपना चालू है यहाँ पे। स्टाफ पूरा है? सब स्टाफ तो यहाँ पे है। पिछले दिन जो 1-2 लोग आए थे यहाँ पर हंगामा हुआ, तब स्टाफ कहाँ था? नहीं वो जो हंगामा हुआ था वो दूसरे ना पेशेंट का एक्सीडेंटल पेशेंट था। एक्सीडेंट नहीं, उसके बाद एक महिला आई थी। हाँ तो जिसके अंदर क्या ना जो इधर अपना ऑपरेशन थिएटर चालू नहीं है, जिनको ऑपरेशन की एलएससीएस की जरूरत है, उनके सीने में दर्द है। नहीं इधर कार्डियोलॉजी भी अपने पास नहीं है, कार्डियोलॉजी नेफ्रोलॉजी न्यूरोलॉजी अपने पास यहाँ पे नहीं है। क्या कब तक हो जाएगा चालू? ये देखिए अभी जो भी महापालिका का आदेश आएगा उसके बाद में चालू हो जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू, खूब अच्छे।